हे गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और फ्रेश न्यू व्लॉग में। और आज के व्लॉग में हम लोग बात करेंगे वैक्सीनेशन के बारे में। बेसिकली इस व्लॉग का टाइटल शायद बन के आएगा वैक्सीनेशन डायरी, एंड ये व्लॉग 3-4 दिन का मिलाकर के एक व्लॉग बन के आएगा, मतलब 3-4 दिन की फुटेज इसमें आपको देखने को मिलेगी। एंड बेसिकली आज मुझे वैक्सीन लग चुकी है, एंड मुझे याद नहीं कौन सी वाली वैक्सीन लगी है, कौन सी लगी थी, कोवैक्सीन लगी थी, कोविशील्ड लगी थी। एक मिनट पूछ लेता हूँ, पापा कौन सी वैक्सीन लगी थी? अच्छा, कोविशील्ड लगी थी। एंड बात करूंगा, मेरे को मैं भूल जाता हूँ तो मेरे को पूछना पड़ता है ऐसे। एंड बात करेंगे तो कोविशील्ड मेरे को लग चुकी है। तो गाइज, मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, इसका मैं बहुत बड़ा पर्पस है। इस टाइम पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं, डर रहे हैं, उनको लग रहा है कि यार वैक्सीन लगाने से उनको कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। सो बेसिकली मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आज मुझे वैक्सीन लगी दिन में 1 बजे, भी रात के 11 बज रहे हैं, और इस कमरे में कोई एसी फैन नहीं चल रहा है, फैन भी नहीं चल रहा, इस कमरे में एसी भी नहीं है। सो मेरे को गर्मी लग रही है और गर्मी में ये व्लॉग बना रहा हूँ, तो आप लोग समझ लो और लाइक कर देना, ठीक है? तो लाइक के बारे में सबसे पहले बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है, 1 लाख व्यूज चाहिए दोबारा से। बट अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये वीडियो को बनाने का मेन टॉपिक यही है कि ताकि मैं एक अवेयरनेस दे सकूं, क्योंकि बहुत सारे लोग डर रहे हैं एंड बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि वैक्सीनेशन के बाद क्या होता है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो मेरे को 5-6 घंटे तक कुछ नहीं हुआ था वैक्सीन लगाने के बाद, बट 5-6 घंटे के बाद मेरे को हल्का हल्का, जैसे हमारे मेरे लेफ्ट शोल्डर में मेरे को थोड़ा सा पेन होना स्टार्ट हुआ, और अभी मेरा लेफ्ट शोल्डर मतलब उठाया भी नहीं जा रहा है, मतलब काफी ज्यादा पेन बढ़ चुका है। एंड जस्ट ये होता है, आपको पता ही है, इंजेक्शन लगाने के बाद कभी कभी हो जाता है ये चीज, एंड ये इंजेक्शन की वजह से हुआ है। मेरे को नहीं लगता कि ये वैक्सीन की वजह से हुआ है, क्योंकि मेरे को पास्ट में भी ऐसे इंजेक्शन लगे हैं। और अगर आप देखोगे तो यहां पर आप ये फुटेज ये फुटेज आप देख सकते हो, जैसे मुझे वैक्सीन लगी है, इसमें शायद वो इंजेक्शन जो लगा रही हूं सही तरीके से नहीं लगा रही, उन्होंने मुझे एकदम खड़ा इंजेक्शन लगाया है। आई थिंक सो इंजेक्शन को थोड़ा तिरछा करके लगाते हैं, क्योंकि खड़े इंजेक्शन से जो कहते हैं ना, मतलब पेन बढ़ जाता है। मेरे को पता नहीं है इतना ज्यादा, मैं मेडिकल के बारे में नहीं जानता हूं, जितने मेडिकल स्टूडेंट है वो जरूर बताने कि ये मुझे इंजेक्शन सही तरीके से लगा, क्योंकि उस टाइम पे मेरे को लग रहा था कि यहां पे मुझे इंजेक्शन थोड़ा गलत टाइप से लगा है, तो थोड़ा सा इसकी वजह से शायद पेन हो चुका है, पेन बढ़ चुका है, बट ये इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। और अगर हम बात करेंगे तो यार वैक्सीनेशन आप भी लगाओ, एंड मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। अब देखो रात हो चुकी है, अब शायद मैं अंदर मूवी देखूंगा, नेटफ्लिक्स एंड चिल करूंगा, क्योंकि वीडियो तो आज बनानी नहीं है। मैंने ऑलरेडी कम्युनिटी पोस्ट डाल दिया कि आज वीडियो नहीं आएगी, बट मैं व्लॉग शूट कर रहा हूं, देख रहे हो हिपोक्रेसी की सीमा, और अब व्लॉग और यहाँ पे हमारे गेमिंग और चैनल पे, मतलब गेमिंग और पे वीडियो नहीं आ रही, बट और व्लॉग पे वीडियो आएगी, और व्लॉग के लिए वीडियो शूट होगी, देख रहे हो, तुम लोग लाइक नहीं करते, बस तुमसे ज्यादा प्यार है मुझे। आने वाले कुछ आर्ट्स के अंदर या फिर कल तक मुझे कोई और प्रॉब्लम आती है, बुखार आता है, कुछ भी होता है, प्रॉब्लम होती है, फिर कुछ भी मेरे साथ सिम्टम्स निकल के आते हैं, तो आपके साथ जरूर जरूर शेयर करूंगा। अपनी मम्मी को भी मैं बोल दूंगा, अभी पहले बोल ही देता हूँ, मम्मी मुझे कल से याद दिला देना कि मुझे हर 6 से 7 घंटे के बाद व्लॉग की कुछ फुटेज शूट करनी है, ठीक है? ऑलराइट, हो गया। अलार्म फेल है, मम्मी नहीं फेल हो सकती, अलार्म तुमको एक टाइम पे ना बताए कि तुम्हारा क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये करना नहीं करना, रिमाइंडर ना बताए, फोन ना बताए तुमको, मम्मी जरूर बता देगी। तो मम्मी के पास मैंने सेट कर दिया ऑलरेडी, एंड अब मैं भी जाता हूँ सोने के लिए, अब कल मिलूंगा मम्मी अगर याद दिलाएगी तो। अब मम्मी भी कभी कभी भूल जाती है। तो गाइस अभी टाइम हो चुका है, दिन के बज चुके हैं, यहाँ पे 2 बजने वाले हैं, 1:43 हो चुके हैं, एंड अभी भी जस्ट मैं एक छोटा सा हमारा जो भूया का शो था, भूया रिवाइंड, उसको कास्ट करके उठाऊं। अब मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था मेरे साथ, क्या नहीं हुआ था, अभी मेरी कंडीशन कैसी है। सो बेसिकली रात को मैं सोया था, 12 बजे मैं सो चुका था, एंड देन उसके बाद मैं सुबह उठा दिन में 11:45 पे, मुझे पता नहीं था कि 9 बजे हमारा ड्राई रन है। अगर जिनको नहीं पता ड्राई रन क्या होता है, ड्राई रन का मतलब किसी भी शो से पहले 2-3 घंटे पहले हमारे यहाँ पे एक तरीके से टेक चेक होता है कि कैमरा सही काम कर रहा है, माइक सही काम कर रहा है, कोई चीज़ ऐसी है जो हमको बतानी है, कास्टर्स को बतानी है, तो वो सारी चीज़ें रहती हैं। तो 9 बजे मैं नहीं उठा था, एंड 11:41 पे मेरे पास कॉल आता है कि यार यहाँ पे तुम्हारा अभी शो है 12 बजे। जस्ट मैं 11:41 पे उठा, एंड 12 बजे में शो पे तुरंत भागा, 5 मिनट के अंदर रेडी हुआ, जैसे तैसे मुंह धोया, तुरंत भागा, और भूया रिवाइंड सक्सेसफुली सही गया। तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, रात को पेन इतना ज़्यादा बढ़ गया था, अभी भी पेन है, ये शोल्डर में पेन बढ़ते जा रहा है, और कमर पेन कर रही है, पूरी बॉडी पेन कर रही है। फर्स्ट डोज है मेरी, तो यार और भी ज़्यादा मतलब दिक्कतें हो रही हैं अभी तो। बट यही है कि मेरे को अचानक से भागना पड़ा, गले में इन्फेक्शन हो रखा है मेरे, तो और भी ज़्यादा दर्द हो रहा था बोलने में। एंड अभी बहुत सारे शोज हैं इसी बीच में, मेरे को सभी के सभी लोग डांट रहे थे कि भाई तेरे अभी इतने सारे शोज हैं, अभी तेरे को फ्री फायर प्रो लीग कास्ट करना है, फ्री फायर का जो हमारे टूर्नामेंट चल रहे हैं वो कास्ट करना है, भूया के भी टूर्नामेंट हो सकते हैं बीच में, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसके लिए मुझे उन लोगों ने डांटा भी कि यार तू क्यों कर रहा है ऐसे, मतलब वैक्सीन क्यों ली तूने इस टाइम पे, सोच समझ के वैक्सीन लेनी चाहिए थी। बट अभी गाइस जो हो गया है,
अभी गाइज यहाँ पे वो लाइव, मतलब लाइव खत्म हो चुका है एंड अभी 2 बजने वाले हैं, मतलब 12 बजे से लेकर के अभी 2 बजे तक 2 घंटे का मतलब हमारा टोटल शो रहा बिना कुछ खाए। मैंने चाय तक नहीं पी है, चाय भी मेरी सामने आ रखी है, ये रही चाय, ये रहा कप, मतलब फ्री फायर के कप में मैं चाय पीता हूँ, तो ये कप हो गया, ब्रेड रेड लेके आ रखी मम्मी, तो वही चीज़ें। घर में सब लोगों ने लंच कर लिया है बट मेरा अभी ब्रेकफास्ट होगा। बेसिकली मेरा नॉर्मल शेड्यूल यही होता है, 12 बजे मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ क्योंकि मैं रात को लेट सोता हूँ, बट अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। तो ये था अभी हमारा, मतलब कह सकते हो कि वैक्सीन लगाने का 24 घंटे बाद, मतलब कल दिन में मैंने 12 बजे वैक्सीन लगाई थी, कुछ इसी टाइम के आसपास मैंने वैक्सीन लगाई थी, 1 बजे के आसपास, 24 घंटे के अंदर जो भी हुआ मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं, मुझे मैंने मामा जी से पूछा, मामा जी को दोनों की दोनों वैक्सीन लग चुकी है, उन्होंने बताया कि क्या बोलते हैं पहले वैक्सीन का जो असर खत्म होने में 3 दिन लगते हैं। लेट्स सी, 3 दिन तक हम लोग व्लॉग करेंगे, थोड़ा थोड़ा शूट करेंगे कब कब मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, तो वो चीज़ मैं आपको बताता रहूंगा आने वाले टाइम पे। तो गाइस जुड़े रहो, देखते रहो पूरा व्लॉग। और हाँ, अभी मैं चलता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ, बहुत ज़्यादा भूख लगी है, गले में दर्द हो रहा है, पूरी बॉडी पेन कर रही है, बुखार आया था रात को मुझे 100 डिग्री के आसपास, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, ये मेरा करंट स्टेट है और अभी तो मैं पूरी तरह से हल्का हूँ, मेरे को बुखार नहीं आ रखा है, अभी मैंने चेक किया था मेरे को बुखार नहीं है, मेरा टेम्परेचर कुछ 98 के आसपास है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बॉडी वार्म नहीं हो रखी है। ठीक है, तो अभी मैं अभी ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, फिर उसका शायद थोड़े बाद लंच करूंगा और नहाता धोता हूँ बस, बाकी अभी पूरे दिन भर में तो कुछ और नहीं, शायद स्ट्रीम करूँ ना करूँ वो भी नहीं पता है, होप सब कुछ ठीक जाए। बाकी अब बहुत ही जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो गाइस अभी बजने वाले हैं 8:30 और लास्ट टाइम मैंने आपको जो अपडेट देता हूँ मैंने दिन में दिया था आफ्टर कास्टिंग, बट उसके बाद गाइस क्या हुआ कि मेरे घर पे रियलमी का टीवी आ चुका था, रियलमी के साथ एक बहुत ही जल्दी, शायद वो तब तक वीडियो आ भी चुकी होगी जब तक आप ये वीडियो देखोगे, जब तक आप ये व्लॉग देखोगे, बट रियलमी की तरफ से मुझे टीवी आया था, स्पॉन्सर हुआ था, तो इसके ऊपर मुझे एक प्रमोशन बनाना था जिसका पीछे देख सकते हो ये रियलमी का टीवी होने वाला है और मैं जमीन पर बैठा हुआ हूँ, सो बेसिकली 50 इंच का टीवी होने वाला है मेरे जस्ट पीछे है एंड इस टीवी का प्रमोशन बनाना था, तो उसमें मैं बिजी हो गया था और आपने शायद वीडियो देख ली होगी जिसमें ये प्रमोशन आ चुका होगा। सो गाइस यही चीज हो रही थी और बहुत टाइम लग गया गाइस, सच बता रहा हूँ, पूरे घर का सेटअप कर, मतलब समझ रहे हो मेरे सेटअप, आप कुछ अलग ही देखोगे, मतलब वो वीडियो अगर आपने देखी होगी ना मेन चैनल पे आपको पता चलेगा कि मैंने सेटअप को बहुत चेंज करा था, लाइटनिंग चेंज करी थी, कैमरा, मतलब सच बताओ ना, मतलब 5-6 घंटे में लगातार काम करा, मतलब समझ रहे हो, उठ रहे हो, सुबह उठा मैं 11 बजे, ठीक है, 11 बजे से अभी तक काम कर रहा हूँ 8 बजे तक, और अभी भी मेरा वीडियो, मतलब जो मेरी फाइल है, मतलब मैंने ऑडियो अलग रिकॉर्ड करा था, वीडियो अलग रिकॉर्ड करा था, तो ऑडियो मैंने इंपोर्ट कर लिया, बट वीडियो इंपोर्ट करने के लिए मुझे कैमरे से, मतलब मोबाइल में पहले ट्रांसफर करना पड़ेगा, फिर मोबाइल से अपने पीसी के अंदर ट्रांसफर करना पड़ेगा, उसके बाद एडिट करूंगा, फिर उसके बाद कंपनी को भेजूंगा, कंपनी अप्रूवल देगी, उसके बाद ये वीडियो आएगी, मतलब वो वीडियो का प्रमोशन आएगा। यार सच बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाता है, बट कोई नहीं यार गाइस, काम तो काम ही होता है ना, चाहे बीमार हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे आपने वैक्सीन लगा रखी हो, अगर काम आपके पास आता है तो आपको करना पड़ता है। एंड अभी मेरी बॉडी में पेन है अभी भी, बट फीवर नहीं है मुझे, और मेरे को जो गले में इन्फेक्शन हो रहा है उसमें बार बार टॉन्सिल्स निकल रहे हैं, और अभी मेरे को बहुत सारे लोगों ने डांट चुके हैं कि भाई अगर तेरे को इन्फेक्शन हो रखा था तो तूने वैक्सीन क्यों लगाई, अगर तेरे को गले में कोई छोटी मोटी खराश भी लग रही थी तूने वैक्सीन क्यों लगाई, बट मुझे उस टाइम पर नहीं पता था कि मेरे को गले में कुछ इन्फेक्शन है, जस्ट वो अचानक से, मतलब वैक्सीन लगाई उसके बाद मुझे गले में इन्फेक्शन बढ़ गया, मतलब छोटा सा और गया था, पहले कुछ खराश जैसी हो रही थी, मुझे लगा कि कास्टिंग वजह से हो जाता है, कभी कभी आप कास्टिंग करते हो, वीडियो बनाते हो, स्ट्रीम करते हो, सब चीज़ों में आपका बोलते रहोगे तो दिन भर हो जाता है, बट अभी थोड़ा सा उबर चुका है, तो मम्मी ने दिन में गलारे करवाए थे, गॉगल्स कराए थे, बस अभी कुछ नहीं, अभी ठीक है, बाकी शायद मैं सोते टाइम पे मिलूंगा या फिर कल के दिन मुलाकात करूंगा, बाकी आज का दिन पूरा बिजी गया, हेडेक थी भाई, ये टीवी 50 इंच का है और मेरे घर में ना 50 इंच के टीवी के लिए जगह नहीं थी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक देख रहे हो मेरा हाथ वहाँ तक पहुँच रहा है, देख रहे हो वहाँ तक, मेरे हाथ बहुत लंबे हैं, असल में मेरे हाथ बहुत लंबे, बट 50 इंच का टीवी यार, हमारे घर में 32 इंच का है, अब इसको वापस करना है गाइस, इसको बहुत जल्दी इसको रिटर्न करना है, बाकी मैं बातें करता हूँ कल के दिन, ठीक है, आज काम फिनिश कर लेता हूँ, बाकी वो मोर्टिन लगा हुआ है, ठीक है, कोई प्रमोशन नहीं है मोर्टिन का, अगर चाहो तो स्पॉन्सर कर सकते हो मोर्टिन का क्या स्पॉन्सर करूँगा मैं बट कोई दिक्कत नहीं है एंड थैंक यू रियलमी फॉर सेंडिंग दिस टीवी, आई होप हम लोग आगे फ्यूचर में और ज़्यादा वर्क करें साथ में, ठीक है, तो चलते हैं फिर, कल मिलते हैं, नहीं मतलब कुछ नया अपडेट मिलेगा तो बात उसमें करूंगा, ठीक है, तो अभी कल के दिन मुलाकात करता हूँ। तो गाइस गुड मॉर्निंग, और अभी दिन के बज रहे हैं 12:40, आज है 30 जून और बात करेंगे तो वैक्सीनेशन को 48 आवर्स होने वाले हैं। फाइनली मैं आपको बता देता हूँ 48 आवर्स के अंदर क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। 48 आवर्स के अंदर जो मेरा शोल्डर पेन था वो काफी हद तक कम हो चुका है, बट अभी भी शोल्डर उठाने में पेन हो रहा है, वो काइंड ऑफ माइनर सा पेन है। एंड अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अभी जो मेरे को पूरे बॉडी एक था वो थोड़ा काफी कम हो चुका है, बट अभी भी जो कमर है, कमर पे अभी भी पेन है, लाइक ऐसा लग रहा है कि कमर और हिप्स के बीच में थोड़ा सा जो बीच का हिस्सा होता है ना वहां पे
थोड़ा सा पेन है एंड बात करेंगे तो पूरी बॉडी अभी भी ठीक है, बट एक चीज हो रही है कि बहुत ज्यादा मुझे लाइक स्वेट हो रहा है, बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है। अभी पता नहीं क्यों अचानक से ये हो रहा है, शायद जब फीवर निकलता है बॉडी से शायद इसकी वजह से होता है स्वेट, बट अभी मेरे को बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है। एंड बात करेंगे तो यहाँ पे जो मेरा गले में था उसमें मेरे को बाद में पता चला कि मुझे टॉन्सिल्स और साथ में इन्फेक्शन दोनों साथ में हो गए थे, इसी वजह से मेरी कंडीशन और भी ज्यादा बिगड़ गई थी गले की, क्योंकि यहाँ पे अंदर एक तरीके से कह सकते हो काइंड ऑफ दाने 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 हो गए थे। मैं फोटो नहीं डाल सकता हूँ बिकॉज आपको भी बहुत अजीब लगेगा, बट बहुत ज्यादा अंदर का सिचुएशन खराब हो गया था। मैंने रात को फोटो वोटो क्लिक करी थी तो मैंने खुद देखा था यार, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। एंड फाइनली अभी थोड़ा रिलीफ है, गले में भी रिलीफ है, मम्मी गलारे कराए जा रही है, कराई जा रही है नमक पानी के, तो वो चीज़ मैं कर रहा हूँ। एंड ये है अभी तक का अपडेट, और बस अभी मैं उठाऊँ, आज शायद ज़्यादा कुछ काम नहीं है, जो बेसिकली मेजर मेजर काम था वो हमने कल कर लिया था। बट हाँ अभी भी ये है कि वो जो आपको पता होगा ना, जिस प्रोजेक्ट पे मैं वर्क कर रहा था रियलमी के, वहाँ से कुछ चीज़ें मुझे अभी आई है कि उसमें अपडेट करना है, मतलब जो प्रमोशन है उसके अंदर कुछ चीज़ें चेंज करनी है जो मैंने भेजी थी उनको, तो उसमें अभी अब काम करना है। एंड शायद मैं ये व्लॉग को भी साथ ही साथ एडिट करता जाऊँगा तो वो भी काम करूँगा, और देखता हूँ अभी क्या होता है। बाकी आज डिस्कॉर्ड की मीटिंग भी है, अगर गाइज आपने हमारा डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं करा तो डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में, हम लोग डेली मतलब मैं डेली बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ डिस्कॉर्ड पे, एंड आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, हम लोग बात करते हैं, फन करते हैं, चैट पे आता रहता हूँ मैं दिन में एक दो बार, और उसके साथ साथ वॉइस पे भी आप लोगों से बात करता रहता हूँ। तो अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। एंड गाइज बस ये काम है, आज के मेन टारगेट तो यही है, और वीडियो के लिए मैंने पूछा, कल रात को मैंने वीडियो बनाई थी तो मैंने वीडियो डाली, और उसके बाद मैंने पूछा कि भाई वीडियो का मतलब, भाई मेरी तबीयत खराब है, तो भाई बहुत सारे लोगों में से, आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई अगर आपकी तबीयत सही नहीं है तो वीडियो मत डालो, क्योंकि भाई यहाँ पे आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा जरूरी है। एंड थैंक यू गाइस इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए उस वीडियो में। बाकी बस अभी तक का ये अपडेट है, बाकी कुछ और आता है अपडेट हेल्थ में या फिर कोई और चीज़ के ऊपर अपडेट आता है तो मैं अपडेट कर दूंगा। ये वीडियो हम लोग 72 आवर्स तक बनाएंगे, 48 आवर्स हो चुके हैं, मतलब कल के दिन 12 बजे तक ये वीडियो बनाएंगे, इसके बाद शायद ये वीडियो एडिट करके मैं आपको दे दूंगा। क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि यार देखो 3 दिन तक मैंने सुना है, मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी तो वो भी कह रहे थे 3 दिन तक इसका असर रहता है, तो 3 दिन तक हम भी देख लेते हैं मेरे साथ क्या क्या हुआ है, ठीक है। बाकी अब मिलता हूँ कल के दिन, या नहीं कल के दिन नहीं, शायद शाम को मिलूंगा या कल के दिन मिलूंगा, जब भी कुछ भी नया अपडेट आता है ठीक है स्टोरी के अंदर। चलो फिर अभी चलते हैं। सो गाइज इन दिल्ली आज 45 डिग्री टेम्परेचर है, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो 46 to 33 आपको देखने को मिला है वेंसडे को। एंड अगर मैं बात करूँ तो प्लांट्स की बात करूँ तो पूरी तरीके से आज जैसे मुरझा जैसे गए हैं। एंड पापा को गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, इसलिए उन लोगों ने प्लांट उगाए थे, उन्होंने प्लांट उगाए तो आज प्लांट ऐसे देखने जैसे नहीं लग रहे हैं। एंड ये वो है जिसका मतलब पापा काढ़ा बनाते रहते हैं, ये वो वाला प्लांट है जिसका पापा काढ़ा बनाते रहते हैं, ये मनी मनी प्लांट है। बट सच में यार आज सही नहीं लग रहा, मतलब बहुत बुरी हालत लग रहे हैं। एंड आज सैंड स्टॉर्म है तो लेट्स सी क्या होता है, बट बहुत गर्मी है आज सच में बहुत ज़्यादा। अब गाइस जितने भी लोग देख रहे हो उन सभी को यही कहना चाहूँगा कि भाई घर पे रहो एंड यहाँ पे अपना ख्याल रखो, भाई बाहर निकलने का कोई मतलब नहीं बन रहा, बेफालतू को घर से बाहर मत निकलो। एंड यहाँ पे जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पानी पियो, जैसे मैंने भी पानी पिया था, मेरी पूरी टी शर्ट गीली हो गई थी, अभी सूख गई है एंड सूख जाएगी, बट यही कहूँगा कि आप लोग घर पे रहो एंड बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज 45 to 46 है, मेरे ख्याल से ये सबसे ज़्यादा हाई है दिल्ली का अभी इस पूरे ईयर के अंदर। एंड मैंने वेदर फोरकास्ट देखा तो उसके अंदर कहा जा रहा है कि इससे भी ज़्यादा टेम्परेचर जाने वाला है। सो थोड़ा पानी यानी पीते रहो यार, अपना ख्याल रखो कि आपको कहीं चक्कर वक्कर ना जाए। एंड सैंड स्टॉर्म से मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि लास्ट टाइम जो सैंड स्टॉर्म हुआ था जब मैं बाहर निकला था तो मेरे एग्ज़ाम थे, एंड उस सैंड स्टॉर्म के बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, वो तो मैंने बड़ी मुश्किल से एग्ज़ाम दिया था। एंड सेकेंड ईयर में मेरे साथ ऐसा हुआ था, अब तो मैं थर्ड ईयर क्रॉस करके ग्रेजुएट भी हो गया हूँ, बट राइट नाउ यार मैं नहीं निकलता हूँ सैंड स्टॉर्म से, क्योंकि मुझे डस्ट से बहुत ज़्यादा एलर्जी है। एंड अभी मेरे गली की हालत वैसे ही ख़राब है तो मैं बाहर नहीं निकलने वाला हूँ, मैं अभी जाता हूँ घर के अंदर, जब अगला अपडेट मिलता है कुछ तो उसमें बात करता हूँ। तो गाइस फाइनली 72 आवर्स हो चुके हैं वैक्सीनेशन को, मतलब 3 दिन हो चुके हैं, अभी शाम के 7 बज रहे हैं, दिन में 3 बजे मुझे ये वीडियो शूट करनी थी बट मैं दिन में नहीं कर पाया बिकॉज कुछ काम आ गए थे मेरे पास, एंड मेरी मौसी भी आ गई थी तो उनसे मिल रहा था मैं। एंड अगर अब बात करेंगे तो अभी 72 आवर्स के बाद मैं आपको बता देता हूँ अभी मेरी करंट क्या हेल्थ स्टेटस है। सो फाइनली मेरे बॉडी में से पेन काफ़ी हद तक कम हो चुका है, बट खाली ओनली थोड़ा सा कह सकते हो कि लोअर बैक में दर्द हो रहा है, वो शायद मेरी पोस्चर की वजह से हो रहा होगा कि मैं दिन भर किस तरीके से बैठा बैठा था, सो इसकी वजह से शायद वो पेन हो रहा होगा। सेकंड चीज़ ये है कि अभी मेरे को
कफ एंड यहाँ पे कोल्ड दोनों के दोनों साथ में हो गया, मतलब मेरे को छींक आ रही है बार बार एंड लाइक अंदर थोड़ा कफिंग भी लग रही है मुझे। सो ये किस लिए हुआ मैं आपको बता देता हूँ, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। जिस दिन मेरे को वैक्सीन लगी थी उसकी पिछली रात मैं बिल्कुल नहीं सोया था, बिकॉज यार मेरे को 3 बजे तक मैं वीडियो बना के फिनिश कर रहा था, 9 बजे वो वीडियो आई थी उस दिन। एंड इसके साथ साथ बात करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको पता है या नहीं पता है, मैं अपने मेन चैनल की वीडियोस लेट नाइट एडिट करता हूँ, क्योंकि मुझे टाइम लग जाता है। एक तो 12 बजे तक रिसर्च का टाइम लगता है, फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग एडिटिंग, फिर उसके बाद अपलोडिंग, देन उसमें टाइटल थंबनेल सब चीज़ों का टाइम लगता है भाई, सब कुछ खुद करना होता है। मेरे पास कोई एडिटर नहीं है, मैं ना ही किसी एडिटर को हायर करता हूँ, क्योंकि मुझे अपने हाथ का काम पसंद है, मैं अपने हाथ से काम करना पसंद करता हूँ। तो इस वजह से मेरे 3:30 बज गए थे, उसके बाद मेरी एक मीटिंग रख दी थी, पता नहीं जाना पड़ा मुझे मीटिंग में, पता नहीं क्यों 4 बजे मीटिंग रखी गई थी और उस मीटिंग में जाना पड़ा और वो 4:30 बजे तक मीटिंग चली। पता नहीं इतनी लेट क्या ही मीटिंग होती है एंड मुझे याद नहीं पता नहीं किस टॉपिक के ऊपर थी, क्योंकि अभी मैं कोरोना ये वैक्सीनेशन सब चीज़ों की वजह से मैं थोड़ा बिजी हो गया था, सो मेरे को याद नहीं। तो वही हुआ था 28 को, तो मैं सो नहीं पाया था। फिर सुबह के 6 बजे तक फिर मैं नेटफ्लिक्स देखने लगा 4:30 बजे से एंड फिर इसके लोकी देखने लगा। मेरे ख्याल से नेटफ्लिक्स नहीं, मैंने लोकी देखा था एंड सीज़न 2 या 3 आ रखा था तब तक, एंड मैंने वो देखा फिनिश करा। बस उसके बाद बस पेरेंट जाग गए 6-7 बजे तक, उन्होंने बोला चलो अब सोए नहीं हो तो जाओ फ्रेश होके आ जाओ, नहा धो लो एंड वाटर आ रखा था एकदम कोल्ड, एंड कोल्ड वाटर से मैंने नहा दिया। फिर उसके बाद मैं आ गया कमरे में, देन उसके बाद मैं एसी में सो गया। 6 बजे सोया, 12 बजे उठा, फिर पापा ने बोला कि मैंने तेरे लिए वैक्सीनेशन के लिए वो करवा दिया, मतलब क्यून पे लगा दिया मेरा टिकट, तो तुझे जाना पड़ेगा। फिर मैं 12 बजे उठा, फिर इसका हम लोग चले गए वैक्सीनेशन सेंटर और धूप में मुझे खड़ा होना पड़ा वहाँ, क्योंकि वहाँ कोई फैसिलिटी नहीं थी ऐसे ही पंखे अंखे की ज़्यादा, सो धूप में खड़ा होना, मतलब पंखे अंखे की फैसिलिटी थी, बट आप समझ सकते हो ना कि यार गवर्नमेंट का थोड़ा वर्क में कैसा होता है कि यार इतने ज़्यादा फैसिलिटीज़ के हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते, एक तो सभी के सभी लोग वहाँ होंगे। तो फिर मुझे लाइन में लगना पड़ा एंड देन उसके बाद धूप लू लग गई, तो एक तरीके से कह सकते हो मैं सुबह नहाया, एसी में गया, एसी से सीधे धूप में गया और उसके बाद घर आने के बाद दोबारा एसी में बैठ गया। सो इस वजह से शायद मुझे कोल्ड लग गया था एंड इसी की वजह से मेरी गले की सिचुएशन और ज़्यादा खराब हो गई थी, बट अभी सब कुछ ठीक है। बार बार मुझे एक छींक आ रही है, वही चीज़ हो रहा है बस, और कुछ नहीं, स्नीजिंग हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। एंड आई होप ये पूरी पूरी वैक्सीनेशन डायरी आपकी मदद करें, क्योंकि आज ये व्लॉग हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। इसके बाद शायद मैं इंडिविजुअल, अगर आप इस व्लॉग में ज़्यादा प्यार दोगे तो आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा लाइफ के इंसिडेंट्स को मैं आपके साथ शेयर करूँगा, बट यही था। और अगर आपको बैकग्राउंड में कोई साउंड आ रहा होगा तो वो एसी चल रहा है वहाँ पे, तो एसी का साउंड आ रहा होगा या फिर बाहर बच्चे से उनका साउंड आ रहा होगा। बस गाइज यही बताना था मुझे आप लोगों को, बाकी आई होप आप इस ब्लॉग को प्यार दोगे एंड लाइक करोगे। आज का लाइक हम रखते हैं इस ब्लॉग का 20K लाइक्स, आई होप आप लोग करवा दोगे एंड मैं मुलाकात करता हूँ बहुत ही जल्दी किसी नए ब्लॉग में एंड गेमिंग और चैनल की किसी नई वीडियो में, या फिर हम बात करेंगे और लाइव की किसी लाइव स्ट्रीम में। तब तक के लिए गाइस सी यू टिल देन, बाय बाय टाटा। बहुत अजीब लग रहा है 3-4 दिन एक तरीके से रिकॉर्ड कर आप इसको खत्म करने जा रहे हैं, बट खत्म करना पड़ेगा तभी तो नया व्लॉग आएगा। बाकी प्यार देना, इसको भी 1 लाख व्यूज देना। चलो फिर मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।